वंस अगेन वेलकम क्लास सिक्स इन आवर ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स. एज यू नो स्कूल वंस अगेन क्लोज ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर. सो आई हैव ओनली वन ऑप्शन टू कंटिन्यू आवर स्टडी ऑनलाइन क्लास. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1 गुलिवर इन लिलीपुट. आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बेटे. सभी लोग उससे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात और मैसेज देना चाहूँगा. सभी लोग जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स परचेज नहीं किया है वो अपना ऑफिस से कांटेक्ट करें और बुक्स के बारे में बुक्स की लिस्ट लें, बुक्स अवेलेबल कराएं और ये जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी कर लीजिए. फ्रॉम स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1 गुलिवर इन लिलीपुट. Listen carefully as the story is read out to you by your teacher. The following simplified extract is from Gulliver's Travel by Jonathan Swift. Jonathan Swift के द्वारा लिखित एक novel है जिसका title है Gulliver's Travel. आपने इसके बारे में सुना भी होगा अच्छी प्रकार से और शायद movie भी देखी होगी. Gulliver a doctor of an English ship. ये जो गुलिवर था एक डॉक्टर था जो कि इंग्लिश शिप पर था. गेट शिप रैक्ड इन द अंटार्कटिक और ये जो शिप था डैमेज होता है अंटार्कटिक में. समहाउ ही रीच्ड एन आइलैंड विच इज़ इनहैबिटेड बाय वेरी लिटिल पीपल. और किसी प्रकार से उसने अपनी जान को बचाते हुए वो एक आइलैंड पर पहुंच जाता है और वो आइलैंड ऐसा आइलैंड था जो बहुत छोटे छोटे लोगों से वहाँ के जो निवासी थे वो बहुत छोटे छोटे लोग थे. ही गोज़ टू स्लीप. वॉट हैपन्ड व्हेन ही वेक्स अप. अब काफ़ी सारा संघर्ष करके उसने अपने आप को सुरक्षित किया था और जैसे ही वो समुद्र के किनारे पहुँचा तो उसको तुरंत वहाँ पर लेटकर नींद आ जाती है और जब वो जागता है जागने के बाद क्या होता है उस कहानी का डिस्क्रिप्शन इस स्टोरी के माध्यम से आपको दिया जा रहा है. सो लेट्स स्टार्ट बेटे. आई अटेम्प्टेड टू राइज बट वॉज नॉट एबल टू मूव. आई फाउंड दैट माई आर्म्स एंड लेग्स वर स्ट्रांगली फास्टेंड टू द ग्राउंड. माई हेयर विच वॉज लॉन्ग एंड थिक वॉज टाइड डाउन इन द सेम मैनर. बिसाइड आई फेल्ट सेवरल स्ट्रिंग्स ऑल ओवर माई बॉडी. आई कुड ओनली लुक अपवर्ड्स. आई हियर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज अराउंड मी. But as I lay on my back, I could see nothing. Explanation साथ के साथ करते चलेंगे बेटे, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग. I attempt to raise. मैंने उठने की कोशिश की but was not able to move. लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था. I found that my arms and legs were strongly fastened to the ground. मैंने पाया कि जो मेरे हाथ और पैर थे वो जमीन पर बहुत कसकर बांधे हुए थे. My hair, which was long and thick, मेरे बाल जो लंबे थे थिक थे उनको भी इसी प्रकार से बांधा हुआ था जमीन पर. Besides, इसके अतिरिक्त I felt several strings all over my body. और इसके अतिरिक्त भी मेरे सारे शरीर को जमीन से बांध दिया गया था. I could only look upwards. और उस समय बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, हिलडुल नहीं पा रहा था. मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ओर देख ही पा रहा था. I heard a strange noise around me. मैंने अपने आसपास एक विचित्र प्रकार का आवाज़ सुनी but as I lay on my back, चूँकि मैं अपने कमर के बल लेटा हुआ था I could see nothing. मुझे सिर्फ ऊपर की ओर दिखाई दे रहा था, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था. In little time, कुछ ही समय में I felt something alley moving on my legs, advancing quietly forward over my body. I came almost up to my chin, bending my eyes downwards as much as I could. I saw that it was a little man, hardly 6 inches high, with a bow and arrow in his hand. I felt at least 40 more men of the same kind following the first. I was greatly astonished and cried out so loudly that they all run back in fear. Some of them, as I was afterwards told,
वर हर्ट इन लीपिंग फ्रॉम माई साइड्स टू द ग्राउंड। अब उसी समय क्या हुआ, इन ए लिटिल टाइम, कुछ ही समय के बाद, आई फेल्ट समवन एली मूविंग ऑन माई लेफ्ट लेग्स, कोई जीवित व्यक्ति मेरी लेफ्ट लेग पर मूव कर रहा था, चल रहा था, एडवांसिंग क्वाइटली फॉरवर्ड ओवर माई बॉडी, और सीधा क्या कर रहा था, वो मेरी बॉडी की ओर बढ़ रहा था, और आई केम ऑलमोस्ट अप टू माई चिन, मैंने जब अपनी वो नीचे करके देखी, अपनी निगाहों से उसको देखने का प्रयास किया, तो मैं चिन तक देख पा रहा था, बेंडिंग माई आइज डाउनवर्ड्स एज मच एज आई कुड, जितना भी मैं बेंड कर सकता था उस अवस्था में मैंने अपनी आइज़ को बेंड किया, और आई सॉ दैट इट वॉज ए लिटिल मैन, उसको देखने की जब कोशिश की तो मैंने देखा वो एक छोटा सा व्यक्ति था, हार्डली 6 inches हाई, जिसकी जो हाइट थी वो लगभग मुश्किल से 6 inch की होगी, विद ए बो एंड एरो इन इज हैंड, उसके हाथ में धनुष और बाण था। आई फेल्ट एट लीस्ट 40 मोर मैन ऑफ द सेम काइंड फॉलोइंग द फर्स्ट, और मैंने देखा कि लगभग 40 उसी तरह के व्यक्ति उसको अनुसरण कर रहे थे, उसके पीछे पीछे आ रहे थे। आई वॉज ग्रेटली एस्टोनिस्ट, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, आश्चर्य में पड़ गया, एंड क्राइड आउट सो लाउडली, और इतनी जोर से चिल्लाया, दैट दे ऑल रन बैक इन फियर, कि वो सभी डर के मारे वापस भाग गए। सम ऑफ देम एज आई वॉज आफ्टरवर्ड टोल्ड, और उनमें से कुछ जैसे मैंने आपको बताया है, वर हर्ट इन लीपिंग फ्रॉम माई साइड्स टू द ग्राउंड, जब वो मेरे ऊपर से नीचे उछले कूदे तो उनको हर्ट भी हुआ। हाउएवर दे सून रिटर्न, वन ऑफ देम हु वेंचर्ड सो फॉर एज टू गेट ए फुल व्यूज ऑफ माई फेस लिफ्टेड अप, सो फॉर एज टू गेट ए फुल व्यूज ऑफ माई फेस लिफ्टेड अप हिज हैंड्स एंड आइज इन एडमिरेशन, crying out in a loud and clear voice, Hikna, Digal, the others repeated the same words several times, but I did not know what they mean. Now explain. However, they soon returned. एक बार फिर उन्होंने प्रयास किया, वो वापस आए, one of them who ventured so far as to get a full view of my face, उनमें से एक जो काफ़ी दूर मुझसे खड़ा हुआ था, ब्रेव काफ़ी लग रहा था, उनमें सबसे ज़्यादा बहादुर वही है और रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, वेंचर्ड यानी कि, सो फॉर एज टू गेट ए फुल व्यूज ऑफ माई फेस, उसने मेरे चेहरे को अच्छी प्रकार से देखा, लिफ्टेड अप हिज हैंड, अपना हाथ उठाया, एंड आइज और अपनी आंखों को उठाया, एंड एडमिरेशन प्रशंसा करते हुए बोला, क्राइंग की आउट इन ए लाउड, चिल्लाते हुए जोर से बोलते हुए क्लियर वॉइस में, हिकना डिगुल, ये सब उसने अपनी भाषा में कहे, द अदर्स रिपीटेड द सेम वर्ड्स, और साथ में जैसे ही उसने ये शब्द कहे तो दूसरे जितने भी सैनिक वहाँ पर थे उन्होंने भी इन सेम वर्ड्स को रिपीट किया, बट आई डिड नॉट नो वॉट दे मीन्ट, लेकिन वो लोग आपस में क्या बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे, मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता था, वो क्या बात आपस में कर रहे हैं। बेटे आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी, यहाँ तक आपको इसको पढ़ना है, अपनी नोटबुक आप लोग बना लेंगे, और नोटबुक बनाने के बाद सबसे पहले डेट और चैप्टर नंबर डाल के, चैप्टर का टाइटल डाल के, गुलिवर इन लिलीपुट, आप यहाँ तक के रीडिंग से मिनिमम 10 to 15 हार्ड वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं, और हार्ड वर्ड के साथ साथ जो वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में, आपकी बुक में दिए गए हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट डे हम न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तभी तक आप इतना रीडिंग कीजिए, ओके एंड बाय।